श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई तो अर्जुन को थी, लेकिन उसे समझने वाले सबसे पहले शिष्य गणेश जी थे। एक दिन था टेल्स विद गिरी डे 3। उत्तराखंड के माना गांव में एक व्यास पोती नाम की जगह है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां पे ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी। लेकिन इतनी बड़ी महाभारत लिखना उनके अकेले के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने सहायता करने के लिए हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि आप इस महाभारत को लगातार बोलेंगे, इसके बीच में बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। और ऋषि वेद व्यास जी ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए उनके सामने एक और शर्त रखी थी। उन्होंने उनसे कहा था कि आप इसे तभी लिखेंगे जब आपको सभी शब्द अच्छे से समझ में आएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी ऋषि वेद व्यास जी को आराम करना होता था तो वो गणेश जी को कठिन शब्द देते थे और वो उसी दौरान आराम कर लेते थे। और इसी बीच में गणेश जी जिस मोर पंख से महाभारत लिख रहे थे वो टूट गया था, तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर पूरी महाभारत लिखी थी, जिस वजह से हम लोग गणेश जी को एक दंताय बोलते हैं। गणेश जी ने ये महाभारत कितने दिनों में लिखी थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। गणपति बप्पा मोरया।